महाराष्ट्र में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 20 नए मामले सामने आने से हड़कंप मच गया है। महाराष्ट्र में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 1410 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 12 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ 868 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर चले गए हैं। महाराष्ट्र में अभी कुल 8426 एक्टिव केस है। ओमिक्रॉन के 20 नए मामलों के साथ राज्य में अब नए वेरिएंट के 108 केस आ चुके हैं। इनमें से 54 लोगों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। मुंबई में शुक्रवार को कोरोना वायरस के 683 नए मामले सामने आए, वहीं एक व्यक्ति की कोरोना से जांच चली गई है। वहीं 267 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर चले गए हैं। मुंबई में अब तक कुल 7,69,433 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से 7,47,258 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। मुंबई में अभी कुल 3,237 एक्टिव मरीज हैं। अब तक कोरोना से कुल 16,368 मरीजों की मौत हो चुकी है। जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में 40,472 जांच की गई है। अब तक मुंबई में कुल 1,33,71,612 कोरोना की जांच की जा चुकी है। मुंबई में अभी रिकवरी रेट 97% है। शहर में अभी 14 बिल्डिंग पर सील लगी है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।